मैं हूं पार्थ और आज मैं आपको लेके आया हूं नेहरू जी की ड्रीम सिटी यानी चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में। चंडीगढ़ जो आज दो राज्यों की राजधानी तथा खुद में केंद्र शासित प्रदेश है और रॉक गार्डन ये किसी गवर्नमेंट द्वारा नहीं, ये किसी सरकार द्वारा नहीं बल्कि एक व्यक्ति विशेष द्वारा बनाया गया था। इसे बनाने की शुरुआत जो है वो 1957 से शुरू की थी नेकचंद ने अपने घर के वेस्ट मटेरियल से चंडीगढ़ इस रॉक गार्डन को बनाना शुरू किया था धीरे धीरे। लेकिन आज चंडीगढ़ का ये रॉक गार्डन वर्ल्ड फेमस है और ये 40 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ आज भी कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो कि कहीं से ला कर के लगाई गई है। इसमें जो भी चीज़ें हैं वो वेस्ट मटेरियल है, वो कांच के टुकड़े हों, चूड़ियाँ हों, पत्थर हों या अन्य कोई भी चीज़ें हों, तो चाहे वो घर का वेस्ट मटेरियल है चाहे वो इंडस्ट्री का वेस्ट मटेरियल है। चंडीगढ़ में सबसे खूबसूरत जगह अगर कहा जाए तो ये रॉक गार्डन है और रॉक गार्डन आज के डेट में बहुत खूबसूरत और सुखना लेक के पास में स्थित है। सुखना लेक, रोज गार्डन, रॉक गार्डन और कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में एक वर्ल्ड हेरिटेज जगह है जो कि किसी एक इमारत को नहीं कहा जाता बल्कि 3-4 इमारतों का जो समूह है वो है कैपिटल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो आज आप इसका नज़ारा ले सकते हैं, ये है रॉक गार्डन का सुनहरा दृश्य जो आपके सामने प्रस्तुत है और यहाँ से दूर दूर तक यानी हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा आपको रॉक गार्डन दूसरा नहीं मिलेगा जो आपको चंडीगढ़ में उपलब्ध है। तब तक के लिए हम फिर कभी हाजिर होंगे एक नई सिटी नए ड्रीम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।